सर ख़त्म करने हैं पूरे आज, पूरे शॉर्ट, पूरे छोटे छोटे कराने हैं। हाँ हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, बोंजूर, अस्सलाम। आज की वीडियो तो मैं पता ही है क्या होने वाली है, नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देख लो, उसमें सब कुछ डिस्कस किया है। तो बेसिकली बात यह है कि आई हैव मेड अ डिसीजन टू कट माय हेयर, मतलब अभी नहीं बनाया डिसीजन, बहुत टाइम से बात चल रही है, बहुत टाइम से मेरे को बाल कटवाने, बट वो ये बीच बीच में टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, कुछ वीडियोज़ कंप्लीट करनी थी क्योंकि आधी क्लिप्स मेरे लंबे बालों में थी, फिर बीच में कटवा नहीं सकता था तो वो कंप्लीट करी। फिर अब मेन रीज़न ये था कि मेरा एग्ज़ाम था कल, मतलब 16th वो, आज 17th है, वो देना था मेरे को, तुम्हें दिख ही रहा होगा मैंने क्या हालत बना रखी है, आप श्योर रखो मिली होली, तो उसके लिए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था बीच में पढ़ने को, मेरे को करनी थी रिकॉर्ड वीडियो हेयर कट की। तो अब जो मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं बाय द वे अब जो मैं फ्री हो गया हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट वीडियोज़ पे वीडियोज़ आएंगे अब, बट एनीवेज तो अब मेरे पास टाइम है तो अब मैं कटवाऊँगा बाल, छोटे छोटे करवा लूँगा एकदम, मतलब बिल्कुल ही गंजा, हाँ मेरी कमर बिल्कुल ही, मतलब गंजा नहीं हो जाऊँगा लेकिन हाँ छोटे छोटे करवा लूँगा। यू सी आ गया भाई, ये बंदा रोज़ मेरे से पूछता है भाई बाल कब कटवाएगा, बाल कब कटवाएगा भाई, बाल कब कटवाएगा, दिमाग ख़राब कर रखा है। तेरे को पता आज मैंने तेरे को क्यों बुलाया? बता तो सही, पता तेरे को क्यों बुलाया? बाल कटवा रहा हूँ आज पूरे। देख लो भाई आखिरी बार देख लो, मैं भी आखिरी बार देख रहा हूँ बाल। अबे चलना यहाँ बैठ के वापस जाने का कहीं नहीं जाना, आज सारे बाल कटवा लिए। 2020 फेब में स्टार्ट करते थे, ढाई तीन साल हो गया, अब पहचानो वही अपने आप को। सर ख़त्म करने हैं पूरे आज, पूरे शॉर्ट, पूरे छोटे छोटे कराने हैं। हाँ राजा भाई भैया डर गए, क्या हो गया? नहीं ज़्यादा नहीं, पूरे कटवाने हैं और क्या, एक नंबर, मतलब पूरे गंजा नहीं, मतलब शॉर्ट करवाने हैं जैसे होते हैं शॉर्ट, इस टाइप इसके तो बेकार है। भाई के बाल काटने के लिए तीन तीन जने खड़े हो गए। नहीं नहीं अच्छा मेरे जितने कर दो इसके सेम। अबे चल पहले थोड़े छोटे तो करो, जैसे शेप मिलेगी उसके हिसाब से लगाता, ये तो काटो। गए भाई, नहीं छोटा सा बच्चा लग रहा तू तो भाई। अभी तो अगर मैं टाइट शर्ट ऊंची पैंट चमकीली रेड शर्ट पहन लूँ तो भाई फिर स्वैग आ जाएगा कतई, जैसे अभी हेयर स्टाइल हो रखा है और वो बिना सॉक्स वाले जूते। एक बार साइड से करके ये खोल के दिखा सकते हो कैसे लग रहे हैं? मैंने उसको सेपरेट कर दिया। अब आएगा ना सिस्टम, ऐसे ही रख ले भाई, मज़ा आ जाएगा, एकदम गिलहरी लग रहा है भाई। देख लो रोमन रेंज वाले रोमन रेंज चाहिए थे भैया को, सही में वो ही लग रहा है पूरा। अबे उसके थोड़े से होते हैं पूरे, यहाँ तक थोड़े होते हैं उसके, कतई भद्दे लग रहे हैं भाई, एक साथ 2500 बाल काटेंगे भाई। क्या हो गया कैसे लग रहे हैं? सही सही बता भाई, सही लग रहा है, पहले से ही लगते थे अच्छे लग रहे हैं भाई। मेरे को तो शॉर्ट हेयर से पसंद है, शॉर्ट हेयर पसंद है मेरे को, पसंद है मेरे ऊपर पूछ रहा हूँ। हाँ तेरे ऊपर भी जा रहा हूँ घर, मम्मी है बस घर पे, सबसे पहले उनका रिएक्शन लेंगे। फोन
क्यों कटाए? अच्छे नहीं लग रहे आपका रिएक्शन ले रहा पहले ज्यादा फोन तो बंद कर दो वो हो रहा है मेरे को ही मिला रखा है छोटा लग रहा है बट प्यारा लग रहा है बट छोटा लग रहा हूँ सुंदर मुझे दे देता मैं रखी लेती उसे घर के अंदर आ जाओ कि नहीं देख चुके मम्मी तो और दोपहर को कराया था तो सही लग रहा है अच्छे लग रहे देख लो जिसको देख रहे अच्छे से और करो कमेंट करो अनफॉलो अनसब्सक्राइब आई एम रेडी बस सही में मत करना बस लेकिन सही से बताओ इतने बुरे लग रहे हैं क्या इतने बुरे भी नहीं है मेरे हिसाब से पहले जैसे नहीं है ऑब्वियसली लेकिन ठीक ठाक ही है भाई स्मार्ट है तुम्हारा और सबसे बड़ी बात यह मेरे ऊपर से झंझट उतर गया इतने लंबे लंबे बालों का अब छोटे हैं क्लीन लगते हैं ढंग से इनका मैं ध्यान रख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी मैं अच्छे से इन पर ऑयलिंग वगैरह ईजिली कर सकता हूँ और तुम्हें हेयर रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए ना वो तुम्हें मिलेगा अब तुम में से जो 90% लोग जिनके लंबे बाल नहीं है उनके लिए कॉन्टेंट आएगा पहले लॉन्ग हेयर का आता था अब शॉर्ट हेयर का आएगा कॉन्टेंट की चिंता तुम मत करो तुम बस इतना बताओ कि तुम में से कितनों को लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया और कितनों को लग रहा है कि सही किया अच्छे लग रहे हैं फ्रेश क्लीन लोग आ रहे हैं और हाँ बैक का अपडेट तुम्हें दे दूँ जो इतने सारे तुम लोग पूछ रहे थे थैंक यू फॉर आस्किंग बाय द वे इट इज़ नॉट गोइंग दैट वेल जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था अभी इंप्रूवमेंट मतलब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं बट अभी पेन में कोई दिक्कत नहीं है वर्कआउट्स वगैरह मैं नहीं कर सकता अभी बिल्कुल डंडी से और रखा अभी जैकेट में तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन बिल्कुल ऐसा और रखा हूँ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं पेन भी ठीक होना शुरू होगा और फिर से बॉडी बिल्ड करेंगे सब कुछ बिल्ड करेंगे फिर से और तुम्हें दिखेगा सब कुछ ब्लॉग करूंगा सारी जर्नी तुम्हें दिखाऊंगा एंड फिर पहुंचेंगे यार जहां पहुंचे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सो यार इतनी थी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना नहीं आई हो तो भी कर देना तुम्हारी कौन सी जेब से लाइक जा रहा है एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो